अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अनाया जिम्मल जो है ना, तकरीबन 12:30 बजे उठी थी और मैंने इनको ब्रेकफास्ट करा दिया। आज का हमारा जो व्लॉग है वो होगा सिर्फ समर वेकेशन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है। हमने तकरीबन मंथ इन्होंने इंजॉय कर लिया है और जो ये अपनी वेकेशंस भी अच्छे से स्पेंड करके आ गई हैं, तो अब इसलिए आज से हम करेंगे स्टार्ट समर पैक। ये पेंसिल्स भी आ गई, बॉक्स भी आ गया और ये इनका समर पैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जिमल का समर पैक है नर्सरी क्लास का, ये सारा उन्होंने इस कैजुअल दिया हुआ है। ये जिमल आकिफ, अब यहाँ से हम अपना करने वाले हैं स्टार्ट काम। डेट और डे डालेंगे और फिर जैसे जैसे जिमल काम करेगी मैं दिखाऊँगी। आज से इंशाल्लाह ताला इनको 2-3 पेजेस स्टार्ट कराऊँगी। पहले हम अपना समर पैक कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना मैंने इनको जो है ना लर्निंग करानी है, स्कूल से आगे जाना है इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने। और ये अनाया का है, ये इन्होंने सारा जो है ना ऐसे बना के प्रिंटेड हमें दिया है और बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह बच्चे जो अब स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इनको लगाया हुआ मैंने ऑयल लगा कर जो है ना इनको बिठाया हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला जब यहाँ से फ्री हो जाऊँगी तो फिर इनको ये शावर लेंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऑयलिंग भी नहीं हुई थी और मुझे तो टेंशन हो जाती है। हाँ जी, और आज से जिमल जो है ना अपनी स्टडी स्टार्ट करी है इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे ये काम करती है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अनाया जिमल ने अपना जो है ना काम स्टार्ट कर लिया है और अब इसे कंप्लीट करो, ठीक है। ये अनाया जो जिमल जो है वो भी लिख रही है और अनाया भी जो है ना अपना फर्स्ट पेज कर रही है। तो फ्रेंड्स, अनाया कर रही है मिसिंग लेटर्स का पेज और ये खुद ही सारा कर रही है। अनाया, ये क्या बना हुआ है? बस की क्या स्पेलिंग्स हैं? BUS। यू क्या होगा? शाबाश। तो फ्रेंड्स, जिमल कर रही है काउंटिंग, बोल बोल कर ये जिमल कर रही है अपनी डक को कंप्लीट। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, दैट्स वेरी नाइस, गुड, 20, वेरी गुड, 20, ये जिमल की डक कंप्लीट हो गई है। चले हम फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें जिमल ने अपनी डक को कंप्लीट कर लिया। जिमल, ये 0 से लेके कहाँ तक थी? 20, 20, 20, वेरी गुड। जिमल ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया। जिमल ने 2-2 पेजेस सबके कर लिए और अब अनाया कर रही है, बस अनाया का मैथ्स रह गया और अनाया ये काउंट एंड राइट जो अपना कंप्लीट कर रही है। फिर मैं इनको जो है ना कलर्स एक ही दफ़ा बाद में करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टडी करवा के। तो जो है ना मैं इनको ब्लॉक्स दे देती हूँ और ये जो ना ब्लॉक्स से डिफरेंट चीज़ें बनाती हैं और अब ये चीज़ें बनाती हैं। अनाया शो करें, ये देखें अनाया ने कितना प्यारा ये बनाया है। ऐसी चीज़ों से ना एक बच्चे का माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा होता है और वो क्रिएटिविटी करने की कोशिश करता है। ये अनाया ने इतना प्यारा ये बनाया और अभी अनाया जिमल और चीज़ें बनाती हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। जिमल, आप क्या बना रही हैं, इधर दिखाएं। मैं फ्रेंड्स कुछ भी नहीं बना रही। कुछ भी नहीं बना रही फ्रेंड्स, मैं बना रही हूं कार। ओके, कार के साथ स्टेयर्स बनाई है। ये देखिए, कार के साथ लग गई। चलो। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का जो है ना सारा व्लॉग वो अनाया जिमल की स्टडी पे ही है। बड़ी अच्छी अच्छी सी मज़े की उन्होंने एक्टिविटीज़ दी है जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। बताओ उसको कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? ये देखिए, ये बड़ी भी है ना और वो छोटी भी है। बड़ी भी जो है ना, ये छोटी भी की मामा है। अच्छा। अब बड़ी भी कह रही है कि मुझे ज्वाइनिंग करके मुझे अपने बेटे के पास जाना है। शाबाश। और ये हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब आप बताओ। नहीं, ये देखें, ये गलत आ गया।
बस चले अब आप इसे कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स अनाया कह रही है इमला के अल्फाज। अनाया आप क्या लिख रही हो, ये क्या लाया? शाबाश, ये क्या है? शाबाश, ये क्या है? जीम अलिफ जा काफ अलिफ का। शाबाश। और ये अभी आप क्या लिख रही थी? शाबाश, चलें कंप्लीट करें अपने पेज को। तो फ्रेंड्स आज अनाया आपको बताएगी आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं अनाया? जो आर्टिकल्स होते हैं क्या है पहले ये बताओ, किसको आर्टिकल कहते हैं? आर्टिकल्स किसको कहते हैं? ए और एन को। और हम ए किसके साथ यूज करते हैं और एन किसके साथ यूज करते हैं, आप फ्रेंड्स को बताएं। फ्रेंड्स हम ए उनके साथ यूज करते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं, और एन हम उनके साथ यूज करते हैं जो वोवल होते हैं। वोवल्स कौन कौन से होते हैं बताएं? ए ई आई ओ यू। शाबाश, ये वोवल्स होते हैं। और बाकी जितने लेटर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। और उनके साथ हम ए यूज करते हैं और वोवल्स के साथ हम यूज करते हैं एन। वेरी गुड फ्रेंड्स, मैंने आपको जो अपनी इतनी प्यारी सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है।